गाइस काफी दिनों से इन दोनों ने सर खा रखा था कि हमें लेके नहीं जाते, अकेले अकेले व्लॉग बनाते रहते हो, तो आज हम इन्हें लेके जा रहे हैं इंडिया गेट। आज इन्हें इंडिया गेट घुमाते हैं, ये कभी गए नहीं, इन्हें कहीं नहीं लेके गए इन्हें लोग। क्या ये लोग लो? और कौन लेके जा रहा है? अब लेके जा रहे हो तो क्या, तो गोदी में था जब ले जाते, क्या छोटे से को, अब बड़ा हुआ तो अब लेके जाएंगे। कितने साल का हो गया? तो 4 साल का। और वो सात वाला? 7 साल का। 7 साल का बच्चा हो गया, इंडिया गेट नहीं लेके गए। मैं तो 22 साल का हो गया, मैं खुद पहली बार जाऊंगा। तुम्हारे घर वालों को प्यार ही नहीं है ना तुमसे, करेंगे जाके। घर वालों ने इसे पैदा करते ही वहां ले गए थे, वही छोड़ा था इंडिया गेट। दुनिया तो शुरू भी होने वाली है। अच्छा, गर्मी शुरू होने वाली है? दुनिया गर्मिया, हाँ दुनिया, फिर बाद में ठंड चाहिए होगी। गर्मी है तो जैकेट क्यों पहन रखा है? इसके घर में नहीं है, इसको भी अपने घर में बुला ले। किसी घर में नहीं है ये, इसकी बात नहीं सुनी क्या तूने? क्या बोला वो? हाँ सुन ली मैंने। केड़ा ये केड़ा बंदा है? तेरा बंदा लाला, आप तो तेरा बंदे से और तेरा बंदा हो। आपने मुझे धोखा दे दिया। कौन सा धोखा दे दिया भाई मैंने तुझे? किसको? ललिता। अपनी मम्मी का नाम ले रहा है, बेशरम, शर्म नहीं आ रही तुझे? देखो कितना बढ़िया बना है यहाँ पे, कितना बढ़िया आर्ट बना रखा है रोड पे। तो गाइस हम पहुंच गए इंडिया गेट। एक्साइटमेंट लेवल लो हो रहा है। बोल 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 क्या? हम तो आया तो खाएंगे, भूख लग रही है। बात पलटने में माहिर। क्या दिलाऊं? पॉपकॉर्न ले, पॉपकॉर्न दिलाओ इनू पे से को। तो दोनों खा लो ना बांट के। पूरी थैली थोड़ी ले रहा है, थोड़ी थोड़ी खा लो। क्या नहीं देगा? क्यों यहाँ पे वार मेमोरियल है, वो दिखा के। क्या है यहाँ पे वार मेमोरियल? चलो फिर वहाँ चल रहे। चल भाई ढोलू, ये फेंकने का है, इन में ही होगी, इन पे फेंकने का कुछ पन्नी वन्नी होगी। डस्टबिन कहाँ पर है? वो रहा डस्टबिन, लोगों ने खा के यहीं गिरा रखा है। गोलू उसको भी खिला दे। नहीं खिलाएगा? थोड़ा भी नहीं। कुत्ता है तू, कुत्ता। साथ में चल लो, अलग अलग भाग रहे हो। वही का डाल रखा तूने? ये कहाँ डाल रखा है? इसी टोपी से निकला। बच्चों को मार रहा है बेचारा। क्या अनुप क्या कर रहा है? बच्चों को मार रहा है बेचारा यार, बेचारा नहीं पिटने लायक बेचारा, ये देखो दोनों मिलके मारते हैं। बच्चे तो शैतानी करते हैं, अब तू करेगा क्या? दिखाते मैं ही बच्चा ही हूँ भाई, हरकतें मत करो। ये खाने ही आता है, अभी थोड़ी देर में कहेगा मुझे पिज्जा खाना है। पेप्सी पेप्सी नहीं, पेप्सी कौन सी? कोलू हर जगह गिरा रहा है तू, हर जगह गिरा रहा है, हर जगह। जेब में रख ले, जेब में रख ले, बाहर आके खा लेंगे। ले रख जान, अंदर गाली खा। क्या अंदर अंटी में डाल मेरे में वो? ले खा, ओए कोलू फटाफट खा। ओ दोनों भाई खा लो, अब तो खिला दे, बंद हो जाते। इधर आ जाओ साइड, 6 बजे बंद। अब ये क्या कर रहा है भाई? ऐसे गिराए जा रहा। इधर आ, इधर साइड में। कूड़ा मचा दिया, कहीं नहीं जाने लायक है नहीं ये, ऐसे ही बुराइयां। अब बच्चे हैं, बुराइयां कह रहा हूं उन्हें। ज्यादा अच्छा बन रहा है क्या? अच्छा क्या बन रहा है बच्चे यार? नाम इसी ने लिया था भाई, मैं तो तेरे को कह रहा था। खा लो जल्दी, सारे खा लो। ओए बोलो फिर गिराएगा। कब होगा खत्म? अब ये पन्नी जेब में।
बाद में डस्टबिन में फेंक दियो। अरे मुझे भी ना आइयो ना खाने दियो। चल ले मैं ऊपर जेब में रख ले इसको। अच्छा, जेब में रख ले, बाद में फेंक देंगे। चलो लग जा लाइन में। गाइस ये है अमर जवान ज्योति और ये यहाँ पे साइड हो जाओ तुम दोनों, जरा मेन कंटेंट तो हमारा दिखा नहीं देते। बैटल ऑफ लोंगे वाला इस बैटल ऑफ टिथवाल सनसेट कितना बढ़िया लग रहा है। तू भी बहुत बढ़िया लग रहा है। कल से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, ये इनको दिया जा रहा है शायद। इनकी कोई फैमिली में हो सकता है शहीद हुआ हो तो। वैसे पर जो आज के दिन जो जवान शहीद हुए थे उनकी वाइफ और बेटा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए और अभी नीचे जाके श्रद्धांजलि देंगे। अभी दिखाते हैं वो आपको। और दूसरी बटालियन में सेवारत थे। वर्ष 1995 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान उनकी बटालियन बर्दवान क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में सेवारत थी और कई आतंकवादियों ऑपरेशनों में सक्रिय थी। विशेष सूत्रों के अनुसार बटालियन की जिम्मेदारी के क्षेत्र में स्थित सोएब गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना थी। दिनांक 22 जुलाई 1995 को मेजर अरुण शर्मा के नेतृत्व में सैन्य टुकड़े को सर्च एवं वार्ड ऑपरेशन का दायित्व सौंपा गया। अपने कार्य क्षेत्र में कुशल ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह मान और उनकी टुकड़ी ने संदिग्ध क्षेत्र की घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी। स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह ने तुरंत जवाबी फायरिंग कर अपनी टुकड़ी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई में वो कई गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो रुके नहीं, अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी वीरता और साहस से प्रेरित होकर सैन्य टुकड़ी ने इस ऑपरेशन में कुल 4 आतंकवादियों को निष्क्रिय किया। उत्तम युद्ध कौशल का परिचय देते हुए ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह ने अपने जीवन प्रदत्त दायित्व का निर्वहन पूर्ण प्रतिबद्धता से निभाते हुए सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान दिया। अदम्य साहस, अनुकरणीय सूझबूझ एवं दुश्मन के समक्ष वीरतापूर्ण कार्रवाई हेतु उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मान किया गया। देंगे सज्जनों, आज के इस नैसर्गिक समारोह में श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह मान शौर्य चक्र हमारे बीच उपस्थित है, जो आज अमर चक्र प्रज्वलित अमर जवान ज्योति के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के समस्त वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। On the basis of reliable intelligence sources, there was specific information regarding presence of hardcore terrorists in Soibuk village, falling in battalion's area of responsibility. On 22nd July 1995, this battalion launched search and destroy operation under command of Major Arun Sharma. वर्दीधारी सल्यूट करें, ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। तो गाइस यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है तो यहाँ पे तो टाइम लगेगा काफी, तो हम चलते हैं। तू उधर कहाँ जा रहा है? एक उधर जा रहा है, तीन इधर और मैं किधर? उधर क्या है? उधर आर्मी से शहीद हुए जवानों के नाम लिखे हैं यहाँ पर। मेथी आलू मेथी खाएगा? आलू,
घर पे मिलेगी आलू मेथी बस, बर्गर ना ना, ना बर्गर आलू आलू मेथी गोभी और रोटी और रायता। क्या क्या तू क्या खाएगा? ये मन मन में ही रो रहा है, तू क्या खाएगा? आज आ जा रो मत, आलू मेथी। ओह क्या खाएगा भाई? आलू मेथी रोटी। क्या खाएगा? मैं तो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो आज का व्लॉग यहीं पे है, अगले व्लॉग में मिलते हैं, अगले व्लॉग में बाय। है ना, आइए ना कैडी सेट सेट को चाहिए।